सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ IQ इन्वेस्ट ऐप में आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम इसको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में लिख के मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा IQ इन्वेस्ट। तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। इनके 100K डाउनलोडिंग है और यहाँ पर 4.5 की रैंकिंग है। उसके अलावा यहाँ पर अब सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम ओपन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बस हमारे को बस थोड़ा छोटा मोटा ID अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ID अकाउंट सक्सेसफुल बन चुका है और यहाँ पर डेमो अकाउंट और इस तरीके से सारी चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर एक तो होता है प्रीवेडिंग अकाउंट, एक होता है डेमो अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर डेमो अकाउंट भी ये हमारा है, अगर इसमें हम ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर रियल अकाउंट भी हमारे पास 0-0 है। अगर हमारे को डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट मेथड काफ़ी आ जाते हैं जिसमें आप कुछ भी, अगर मैं INR कर देता हूँ हमारा, उसके बाद यहाँ से आप कितने भी चाहो उतने पैसे ऐड कर सकते हो। कम से कम 600 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट रिस्ट्रिक्शन राइट हैंड साइड में राइट करके एक्सेप्ट पर क्लिक करके डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आप पेमेंट आराम से काफ़ी सारी जगहों से कर सकते हो। यहाँ पर बस ये आपको डालना पड़ेगा कौन सी भी एक जीमेल डाल देनी है अपने आपने, ठीक है। उसके बाद जो ग्लोबल पे पासवर्ड कुछ भी आपको एक डाल देना है, मास्टर की भी डाल देनी है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ बिल्कुल ही, ठीक है। बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे, उसके बाद रियल अकाउंट में भी 0 बैलेंस आ रहा है तो ऐड डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से तीसरे नंबर पर एक UPI का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अभी यहाँ पर 600 रुपये हम कर सकते हैं। तो अकाउंट वेरीफाइड करेंगे, सबसे पहले नाम हमारा डालेंगे, देन यहाँ पर अब पीछे हम क्या लगाते हैं वो डालेंगे, देन कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब हमारी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारा कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना सा बस आपको करना है। तो यहाँ पर इसमें राइट हैंड साइड में राइट नहीं करेंगे, देन यहाँ पर ये जो जो चीज़ें पूछता है हमारे को ये चीज़ें देनी पड़ेगी, ठीक है। ये फिर आप अपना पेमेंट कर सकते हो। आइडेंटिटी वेरीफाई भी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाइड करनी पड़ेगी आपको, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप कर सकते हो, ID कार्ड, पासबुक कर सकते हो, कुछ भी आप ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप इसमें करना पड़ेगा तभी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। 600 रुपये कर सकते हो, 90% हो चुका है, 10% आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। और उसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र आप जब भी कर सकते हो तब आपका वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आई होप ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।